वेलकम टू माय चैनल किले खोठा में। और आज हम देखेंगे बीवी सेमेस्टर वन मेजर सब्जेक्ट खोठा, साहित्यिक राजा दलेल सिंह का ठाँव ठिकान कहाँ रहते थे और क्या करते थे, तो आइए हम देखते हैं। खोठा साहित्यिक राजा दलेल सिंह का ठाँव ठिकान। खोठा साहित्यिक राजा दलेल सिंह एक ऐसा नाम है जो ढेर दिन तक अंधार घरे नुकायल गुमनाम रहे। और खोठा साहित्यिक राजा दलेल सिंह एक ऐसे आदमी थे जो अंधार घरे नुकायल गुमनाम रहे। तकर चलते खोठा का आदि कवि और खोठक वाल्मीकि कर उपाधि ऐसा लोग के देल गेल है जकर हकदार उ नहीं रहत। और वो उनका नाम छिपने के कारण किसी और को उसका हक दिया गया था। नजर गपचाए के देखल से साफ बुझा है कि उनका असली हकदार उ नहीं परंतु राजा दलेल सिंह लागत। आदि कवि ओकरे कहल जाए जकर से आगू पहले और कोई दोसर ना है। सही बात है, राजा दलेल सिंह एक सिंह एक ऐसा नाम है जकर से पहले कोई नहीं आर उ जो महाकाव्य लिखल है मैंने के शिव सागर जिसमें से 12,000 दोहा है और चौपाई 700 पन्ना है। जकर में 12,000 दोहा तो महाकाव्य लिखे थे राजा दलेल सिंह और 700 पन्ना है, तो वैसे भी तो 700 पन्ना का चौपाई है जाहिर सी बात है और 12,000 दोहा है, अब उसका कितना पन्ना होगा तो किताब कितना मोटा होगा आप लोग समझ सकते हैं। इतना बड़ काव्य अखन तक नहीं लिखायल है खोठा साहित्य और भविष्य से नहीं बुझा है कि लिखा है। और इतना बड़ा महाकाव्य खोठा भाषा में कभी नहीं लिखाया है और ना ही लिखेगा भविष्य में। और आप कटी उनखर परिचय जानो, अब थोड़ा बहुत उनका परिचय जानते हैं। राजा दलेल सिंह रामगढ़ का राजा रहा 17वीं सदी कर। राजा दलेल सिंह रामगढ़ का राजा थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राजा दलेल सिंह कहाँ के राजा थे, तो रामगढ़ राजा के और किस समय 17वीं सदी में। वो राजगद्दी 1677 ईस्वी में बैसल रहे थे और वो रामगढ़ के राजा 1677 ईस्वी में बने थे। 1724 तक ही राज करल रहत जय के 1724 में वो रामगढ़ को राजधानी बनाए थे। उनकर बुबा काजा का नाम रहे हेमंत सिंह और बापे का नाम रहे राम सिंह। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं कि बुबा का यानी आजा का नाम यानी दादाजी का नाम हेमंत सिंह और बाप का नाम राम सिंह। हेमंत सिंह कर्णपुरा राजा रहत और दादाजी उनके कर्णपुरा के राजा थे जेकर राजधानी सीसे टंडवा पास है और जेकर राजधानी सीसे था। हुए दलेल सिंह का जन्म हेल रहे सीसे में, सीसे से बादम और फिर रामगढ़ राजधानी लांग और सीसे उस समय राजधानी था। तो उसके बाद राजा दलेल सिंह 1724 में रामगढ़ को राजधानी बना लेता है। राजा दलेल सिंह का गुरु का नाम रहे राम भक्ता। हिंदी साहित्य और बिहार में लिखल गया कि राजा दलेल सिंह का राजा संग एगो कवियो रहत दलसा इनकर उपनाम रहे। और हिंदी साहित्य बिहार साहित्य में लिखा गया है कि राजा दलेल सिंह राजा के संगे एक कवि रहत और कवि भी थे और एक राजा भी थे। दलसा इनकर उपनाम रहे और दलसा इनकर उपनाम था। इनकर लिखल किताबें का नाम है शिव सागर, राम रसायन, राजहंस और गोविंद लीलामृत। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि राजा दलेल सिंह का कौन सा किताब था, तो आप लोग देख लीजिए चारों, शिव सागर, राम रसायन, राज रहस्य, गोविंद लीलामृत। शिव सागर का रचनाकाल 1700 ईस्वी, समय 1757 है। एकर में शिव, पार्वती, गणेश, चांदकर, स्तुति, बंदन, वंदना, हेम तेम संग सब हिंदू के मिथक है, अपन पुरखा कर बारे लिख ले।